कहाँ है वो? आप लेट हो गए भाई, चला गया वो। तू तो कह रहा था उसकी फैमिली भी साथ में है। अंदर है। ये क्या था भाई? जानवर है, जानवर। मेन हीरो है ना, फैमिली के साथ वंडरलैंड आया है। फटाफट आ जाओ भाई। होने वाली है सलमान खान के करियर की सबसे डेयरिंग मूवी, और क्या है इस मूवी के पीछे की छुपी हुई असली कहानी, आइए आज की इस वीडियो में जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज में। मैं आपकी दोस्त मीनाक्षी फिर लेके आई हूँ एंटरटेनमेंट जगत से कुछ एंटरटेनमेंट से पिटारे से भरी हुई कुछ नई किस्से कहानियाँ। तो आइए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और बात करते हैं बॉलीवुड के भाईजान यानी कि सलमान खान की अपकमिंग मूवी अंतिम के बारे में। सलमान खान उन एक्टर्स में से एक हैं जो अपने फैंस का प्यार कभी खोना नहीं चाहते, और इसीलिए अपनी हर मूवी में कुछ अनोखा, कुछ नया और कुछ यूनिक करने की कोशिश में लगे रहते हैं, और ऐसा ही कुछ करने की कोशिश उन्होंने की है अपनी आगामी मूवी अंतिम के थ्रू। अंतिम का पूरा नाम अंतिम द फाइनल ट्रुथ है, और ये बात तो नाम से ही समझ आती है कि मूवी में एक्शन और थ्रिल तो ज़रूर होने वाला है, जो कि सलमान खान की मूवीज़ का एक्स फैक्टर रहता है। अब अगर बात करें मेकर्स के बारे में, तो इस फिल्म की ओरिजिनल स्टोरी को लिखा गया है परवीन तारदे द्वारा, और साथ ही साथ में इस मूवी के रीमेक को लिखा है मिथिलेश कौशिक ने। मूवी को निर्देशित करेंगे महेश मजनेकर, और इस मूवी को प्रोड्यूस करेंगे खुद बॉलीवुड के भाई जान सलमान खान। साथ ही साथ में ये मूवी सलमान खान फिल्म्स के बैनर तले बनने वाली है, तो सलमान खान की ये सेल्फ प्रोड्यूस मूवी लोगों के दिलों को छू पाती है ये बात देखने की होगी। अब अगर बात करें फिल्म की कास्ट के बारे में, तो फिल्म में सलमान खान के साथ आयुष शर्मा और प्रज्ञा जायसवाल लीड रोल में नज़र आने वाले हैं। दरअसल दोस्तों, ये फिल्म 2018 की मराठी इंडस्ट्री की वन ऑफ द मेजर कंट्रोवर्शियल और मोस्ट फेमस फिल्म मुंशी पैटर्न पर बेस्ड है, और सलमान खान ने खुद ही इस फिल्म का रीमेक बनाने का फैसला किया है, जिससे एक बात तो साफ है कि इस मूवी में कुछ ना कुछ अनोखा तो ज़रूर है कि भाईजान ने खुद इस मूवी को चुना है। अब अगर बात करें मूवी की स्टोरी के बारे में, तो मूवी बहुत ही बड़ी कॉन्ट्रोवर्सी पर छुपी हुई है, जिसके पीछे एक बहुत बड़ा विशेष कारण है। दरअसल 2018 में आई ये मूवी परवीन तारदे ने ही लिखी और निर्देशित की है। हर डायरेक्टर की तरह उन्होंने भी मूवी की रिलीज से कुछ समय पहले मूवी का टाइटल सॉन्ग रिलीज किया था, जिसमें ये देखा गया कि जैसे परवीन तारदे ने ये बात सबके सामने मानी थी कि ये मूवी रियल इंसिडेंट पर बेस्ड है। That was enough shocking for us, पर उसके बाद वो एक लेवल अप गए थ्रिल करके, और उन्होंने अपने टाइटल सॉन्ग में कर लिया असली गैंगस्टर्स और डॉन को फीचर। जी हाँ दोस्तों, उन डॉन्स और उन गैंगस्टर्स को जिनको पुलिस खुद ढूंढ रही थी, वो उस गाने में नाचते गाते नजर आए, और इसीलिए ये मूवी आ गई कॉन्ट्रोवर्सी में। अगर बात करें फिल्म के रिलीज़ के बारे में, तो फिल्म इसी साल जुलाई जून में रिलीज़ होने वाली थी, लेकिन शायद करंट कोविड की सिचुएशन को ये चीज़ हजम नहीं थी, और इसीलिए शायद रिलीज़ में कुछ देरी हो सकती है। हालांकि इस बारे में पुष्टि कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट के थ्रू नहीं की गई है। अब आते हैं मूवी की स्टोरी पर। तो दोस्तों, ये मूवी की स्टोरी एक गरीब किसान के बेटे की ज़िंदगी के आसपास घूमती है, कि कैसे एक लड़का जिसने अपने जीवन में सिर्फ हताशा, निराशा और दुखी देखा है, वो कैसे पावर की लालच में और पैसों की लालच में गलत रास्ते पर चल पड़ता है और कर जाता है काफ़ी कुछ डेयरिंग काम। और इसी के बाद एक कॉप आते हैं जो कि उसको गलत रास्ते पर चलने से और साथ ही साथ उसको इतना ज़्यादा पावरफुल बनने से रोकने की कोशिश करते हैं। अब मूवी में क्या होगा आगे, ये तो हम खुद देखने के लिए बेचैन हैं, और सबसे बड़ी बात होगी कि क्या मेकर्स और सलमान खान कुछ नया करेंगे या फिर ओरिजिनल मूवी का ही कॉपी बनाया जाएगा। अब ये देखने के लिए आपको इंतज़ार करना होगा हमारी अगली वीडियो का। तो तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम लेके आ पाएं आपके लिए फिल्मी जगत की सारी खबरें।